कांग्रेस को आज बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा झटका दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों ही राज्यों के अंदर आज अलग अलग नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। दोनों ही जो नेता पार्टी कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए, दोनों कांग्रेस पार्टी में अपना अपना मजबूत रखते थे। मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर आई है जहां पर आज एक बड़े नेता ने पार्टी ज्वाइन की है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से राजस्थान में भी एक कांग्रेस के नेता ने पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद बड़ा मल्हारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे रक्षपाल सिंह यादव ने टिकट वितरण व्यवस्था से नाराज होकर कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले आपको बता दें कि वो पुलिस सेवा के अंदर रहते और पुलिस सेवा से निवृत्त होकर उन्होंने मल्हारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन कांग्रेस में टिकट गड़बड़ियां के चलते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव रामलाल चौधरी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर टिकट वितरण में ओबीसी समुदाय की अनदेखी करने के मामले का आरोप लगाते हुए बीएसपी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में आज बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के समक्ष उन्होंने पार्टी यानी बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगहों पर आज कांग्रेस नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर बीएसपी का साथ देने का फैसला लिया है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर।